तो ये जो हमारी चीज़ आती है, ये पता है किस लिए आती है? मैं बता देता हूँ आपको। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर व्लॉग्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको देख के पता ही लग ही रहा होगा कि मैं वीडियो किसके ऊपर लेके आया हूँ, तो हाँ, ये कंपैरिजन है BS4 और BS6 होंडा एक्टिवा 125 के ऊपर। तो थोड़ा डिटेल्ड होने वाला है रिव्यू, तो शायद वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए, तो देखना एंड तक, तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो नहीं होगी वो मिल जाएगी, अगर होगी तो वेल एंड गुड है। तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट की बात कर ली जाए तो आप इसके पहले तो हेडलाइट्स में डिफरेंस देख सकते हैं। जो इसकी हेडलाइट की शेप थी, ये शेप में यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे देखो इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया गया है। बाकी अंदर की लाइट्स तो दोनों की सेम ही है, अंदर कोई लाइट में डिफरेंस नहीं है। और मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि इस एक्टिवा के अंदर आया है कि जैसे ही हम चाबी ऑन करते हैं तो साथ ही साथ हेडलाइट ऑन हो जाती है विद DRL, बट इसके अंदर डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे हम चाबी ऑन करते हैं तो कली DRL ऑन होती है, जो हेडलाइट है वो हमारी एक्टिवा स्टार्ट होने के बाद ऑन होती है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है और ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है इसके फ्रंट में भी। इसका जो मड गार्ड है वो थोड़ा बड़ा लगता है, बट इसका थोड़ा पतला और थोड़ा तिक्खा सा कर दिया आगे को देखने को, आप दोनों को देख सकते हो ऐसे, उसका थोड़ा सा पतला करके लंबा सा कर दिया। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा शेप में। और इसकी डिस्क देखो, आपको मैं डिस्क दिखाता हूँ। जो इसकी डिस्क है, इसके अंदर ये एरिया इसमें ब्लैक है, साइज बिल्कुल सेम है और हमारी ब्रेक का कैलिबर सब कुछ सेम है, बट जो ये वाली है इसके अंदर ये चीज़ सिल्वर कर दी गई है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके डिस्क में। और जो टायर साइज़ है वो बिल्कुल सेम है, 90-90-12। और मैं इसका भी दिखाई देता हूँ एक बार, तो इसमें भी ये देख सकते हो आप 90-90-12। तो ये सेम टायर है, टायर साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आया, बिल्कुल सेम टायर है। यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक की स्टिकरिंग है, बट इस वाली में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्टिकरिंग वगैरह नहीं है, तो शायद इसमें कॉम्बी ब्रेक नहीं होगी, क्या पता हो भी, बट दिखाया नहीं कंपनी ने। इसके बारे में वैसे मैं दिखा चुका हूँ मीटर के बारे में पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो देख ले। पहले मैं उस पर चलता हूँ और उसके अंदर दिखाता हूँ क्या क्या है। तो कर लेते हैं इसके मीटर की बात। तो ये अराउंड चल चुके हैं 20,000 के लगभग, थोड़ी सी ज़्यादा चल गया उससे। तो इसका मीटर देखा जाओ तो छोटा मीटर है उसके कंपैरिजन में, शेप थोड़ी सी अलग है, ये ऐसे चौड़ा ज़्यादा है, वो ऐसे में लंबाई उसकी ज़्यादा दी गई है। और इसके जो मीटर के अंदर है वो फीचर सिर्फ यही आता है कि हम जैसे इसको एक बार टैप करते हैं तो ट्रिप आता है, बस इसके अंदर दूसरी कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि उसके अंदर तो हमारी एवरेज रेंज और हमारा जो एवरेज कंटिन्यूसली जो आ रही है वो तीन चीज़ें उसमें इकट्ठे आती हैं, इसके अंदर वो चीज़ नहीं आई है, वो फीचर उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया है। और इसके अंदर देख सकते हो आप चोक भी है, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्शन नहीं है, जबकि वो वाली फ्यूल इंजेक्शन है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो जगह दी गई हैं, यहाँ पे हाई बीम की लाइट आती है जब हम हाई बीम करते हैं वो दिखाता है, और यहाँ पे इको दिखाता है, और ये दोनों जगह हमारी उसकी इंडिकेटर की हैं। तो ये कुछ सिंपल सा इसका, यहाँ लो बीम हाई बीम इंडिकेटर हॉर्न, इसने भी हॉर्न मेरे वाले डलवाया हुआ है, और ये हमारा सेल्फ का बटन जो कि इसका सब कुछ मिट चुका है जो यहाँ पे था। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बटन चेंज कराया गया था, क्योंकि तोड़ दिया गया था। तो यहाँ पे ये स्विच लगाया है भाई ने, इसके आगे लाइट इसने लगवाई हुई थी बट वो हटा दी गई बाद में ड्यू टू सम इश्यूज़। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, बैटरी में भी कोई इश्यू नहीं आया, लाइट्स बड़ी थी। शायद अगर मेरे पास इमेज होगी तो मैं इस वीडियो में डाल दूँगा इस एक्टिवा की विद लाइट्स, और काफ़ी अच्छी लग रही थी लाइट वो, जैसे कि हम कहीं ट्रैवल करते हैं, टूर करते हैं रात को, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी थी वो लाइट, बट हटा दी हम लोग, लोकली घूमना होता है, हमारा कोई ऐसा ट्रिप का था नहीं। तो इसके अंदर भी सेम यही आता है हुक सामान उठाने के लिए, बट इसका थोड़ा सा ख़राब हो गया, देख सकते हो ये अपने आप नहीं जाता, ये पता नहीं कैसे ख़राब कर दिया, शायद कुछ भारी डाला होगा। और इसका ये वाला लोहे का आता है, जबकि उस वाले में प्लास्टिक का दिया गया है, तो कॉस्ट कटिंग तो करती है होंडा। और मेन डिफरेंस जो मैंने देखा इसके अंदर, देखिए आप यहाँ से एयर इनटेक
यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मतलब इंजन कूल करने के लिए इसमें ज़्यादा जगह दी गई है, जबकि मैं उसमें दिखाऊंगा आपको कि उसके अंदर नहीं दी गई है। और इसका साइलेंसर है, जो ये हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम जो कहते हैं, ये इसका बड़ा है, काफ़ी ह्यूज है। और यहाँ देख सकते हो आप, ये मोटा सा एरिया बनाया गया यहाँ पे, जो शायद इसको कंट्रोल करता होगा अंदर से हवा आने के सिस्टम को। और ये क्रोम बिल्कुल अच्छा सा लगाया गया इसके अंदर, वाइट कलर में ये वाला मॉडल काफ़ी अच्छा लगता था। तो ये जो हमारी चीज़ आती है, ये पता है किस लिए आती है, मैं बता देता हूँ आपको। जो एक्टिवा 100 cc है, जो उसका वो मीटर रन होता है, उसके अंदर वायर आती है आगे वाले उससे टायर से। बट इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर कोई वायर एक्स्ट्रा है नहीं ऐड। तो इसका जो किलोमीटर की रीडिंग होती है और जो स्पीड होती है, वो इसकी पीछे वाले टायर से नोट होती है, इसकी भी और इसकी भी, दोनों में सेम चीज़ है वो। और इसका साइलेंसर देख सकते हो आप, जैसे मैंने इसकी बात करी, इसका साइलेंसर देखो बहुत छोटा सा है, तो काफ़ी छोटा कर दिया इसका साइलेंसर। और जैसे मैं आपकी पिछली वीडियो में बात करी थी, जो इसका एक्सल है, इस एक्सल यहाँ पर दिया गया है, जबकि इस वाली का एक्सल देखो आप कितना आगे है, इससे देख लो आप, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितना एरिया ज़्यादा है। तो इसके करके थोड़ा सा इशू ये है कि ये वाली एक्टिव आप देख सकते हो ऊंची लग रही होगी आपको, डबल स्टैंड लगाने के बावजूद इसका टायर नीचे टच हो रहा है, क्योंकि ये ऊंची करवाई गई है। जो शॉकर के ऊपर एक बड़ा सा पीस लगता है, वो इसने चेंज करवाया गया। वैसे सेफ्टी मामले में वो मैं नहीं कह सकता कि अच्छा है, बट हाँ उसको पसंद था तो उसने ऐसे ऊंची कराई हो, देखो। और ये देखो छोटी, इसका टायर हवा में रहेगा। तो ये कुछ डिफरेंस था। और इसकी भी मैंने करवाई थी, मैं झूठ क्या बोलूँ, मैंने इसके अंदर भी वो वाला लगवाया था, बट उसके चक्कर में इशू ये आ रहा था कि जब हम इसको एक्सलेट करते थे, हल्का सा बम भी आता था, टायर ना स्पिन मार रहा था। तो इसका रीज़न ये था। आप इसका शॉकर देख सकते हो, सीधा लगा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट। और इसका शॉकर वैसे दिखेगा नहीं, मैं दिखा देता हूँ, वो देखो ऐसा टेढ़ा टिल्टेड है। तो इसका शायद कोई सिस्टम होगा एरोडायनामिक्स से, तो इसके चक्कर में इशू ये आ रहा था कि एक्टिवा का टायर ना स्पिन मार रहा था, तो मैंने वो हटवा दिया, क्योंकि स्पिन मारने पे एक्टिवा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती थी कभी भी, तो पहाड़ों में जाना रिस्की था। तो इसकी बैजिंग की बात कर रहा था, मेरे को ये सबसे बेकार बैजिंग लगी है, इतना बेकार काम किया है मेरे को, ये खड़कने लग गया मेरा उस साइड का अभी से ही, पता नहीं क्यों वाइब्रेशन आने लग गया उसमें हल्की हल्की। हाँ, मैं बात कर रहा था एयर इनटेक की। देखो इसके अंदर डिज़ाइन बना गया, सिर्फ 2 छेद हैं एयर इनटेक के लिए, और इस साइड कोई नहीं है, ये सिर्फ ऐसे डिज़ाइन है, पीछे लोहा ही है। तो इसमें पता नहीं कैसे कूलिंग सिस्टम इसका क्या बनाया होंडा ने, उसका कूलिंग सिस्टम मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है, बट ये ठंडी पता नहीं कैसे होती होगी, शायद इसका फ़ैन फास्ट चलता होगा या फिर पता नहीं। तो ये कुछ बेसिक फ़ीचर थे। बाकी इसके अंदर मैं आपको डिफरेंस बता रहा था, इसके अंदर ये आ जाता है सामान रखने वाली जगह, वो उसके अंदर नहीं है। और ये हमारा पास का स्विच इसी में ही है, उसके अंदर पास ऐसे नहीं है, उसके अंदर ऐसे हाई बीम करनी पड़ेगी बार बार। ऑटोमेटिक ऑन ऑफ है इसमें, उसमें नहीं है। और हमारा ये स्टैंड से ऑफ होने वाला सिस्टम है, इंजन ऑफ होने वाला, उस वाली में इंजन ऑफ ऐसे नहीं होगा। फ्यूल वाला इसमें अंदर यहाँ पे है, उसके अंदर डिग्गी के अंदर ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पीछे कुछ नहीं है। बस कि इसकी शेप मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी, ये ड्यू टू दिस, इस करके इसकी शेप ऐसे पीछे को बाहर डिग्गी निकाल दी है इसकी, तो इस करके मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती। बट ये वाला मुझे मॉडल ज़्यादा बेटर लग रहा है इस वाली से, और कोई खास डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे BS4 देख सकते हैं, यहाँ पे बैजिंग आ रखी है, और इस वाली में इस साइड है, तो देख सकते हो आप BS6 की बैजिंग। तो ये था कुछ बेसिक सा, और इसके अंदर कुछ खास है नहीं। इंजन की बात कर लें थोड़ी बहुत, तो सेम ही इंजन है मेरे हिसाब से, पिकअप दोनों का सेम है, पावर डिलीवरी सेम आती है, बट कह सकते हैं कि वो शायद थोड़ी पुरानी हो गई है, इस करके हमने जब इसका ड्रैग वगैरह रेस करके देखी तो वो वाली आगे निकल रही थी। ये हो सकता है रीज़न कि वो नहीं है, इसलिए चल रही होगी, क्योंकि ये अभी 20,000 किलोमीटर रन हो चुकी है, जबकि ये अभी 2,000 समथिंग ही हुई है, मतलब वही 10-1% सिर्फ चली है उससे। तो ये डिफरेंस हो सकता है, बाकी दोनों की पावर बहुत अच्छी है। ये वाली ऊंची कराने का रीज़न एक और भी था, मैं बता देता हूँ, जिन जिनके पास शायद ये होगी उनको पता होगा। जब इसमें 2 बंदे बैठते थे, जब ये नीचे होती थी, अगर आप एक्सलेटर ज़ोर से करते थे ना पूरा पिकअप, तो आगे से उड़ जाती थी। इसके अंदर ये इशू भी होगा, किसी किसी को आता होगा, किसी किसी को नहीं आएगा, वो बात अलग है। बट हल्का सा अगर अगले वाला टायर पे बम्प आ गया, आपने पूरा एक्सलेट कर दिया और 2 बंदे बैठे हैं, तो आगे वाला टायर हवा में थोड़ा सा उठ जाता था, तो इसलिए भाई ने कहा कि चलो उठवा देते हैं, अब आगे से उठेगी नहीं इस चक्कर में। तो थोड़ा बहुत इशू आ रहा था ये वाला, तो बेसिक यही डिफरेंस था, बाकी तो सब कुछ सिमिलर ही है, क्योंकि इंजन सेम है और थोड़ा बहुत फ्रंट चेंज है और फ्यूल इंजेक्शन आ गया और 4-5 फीचर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, इस करके रेट भी बढ़ा दिया गया। अब ये थी अराउंड 60-65 के राउंड होगी, और ये वाली मेरे को पड़ी है 95 के राउंड। तो देखने में सेम सी लग रही हैं, बट लाख रुपए की ये पड़ी है एक तरह से देखा जाए तो, और वो एक क्वाइट सही से रेट पे पड़ी है।
आपको मैं थोड़ा बता रहा था ना प्लास्टिक के बारे में, ये देखो ये वाला प्लास्टिक है कितना ख़राब है, सामान कोई ज़रा टांग जरा टूट जाएगा यहीं पे, और उसमें लोहे का है तो वो थोड़ा अच्छा है कि भरोसा कर सकते हैं कि चलेगा ज़्यादा, प्लास्टिक का तो आपको पता ही है कितना ही चलता है। और थोड़ी सी फ्रंट की एक और बात कर लेता हूँ इस चीज़ की, इसकी मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, या आप इसकी DRL देख सको कितनी बड़ी है, इसकी वाली की भी शेप अच्छी है बट वो ओल्ड स्कूल लग रही है, बट ये अच्छी लग रही है क्योंकि इसकी इंडिकेटर की शेप भी काफ़ी अच्छी दी गई है, तो मुझे यही डिफरेंस, फ्रंट लुक इसका ज़्यादा हंकी लग रहा है उससे, बट दोनों अपनी जगह ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई कहीं कम लग रही है, दोनों सेम है। और इसका कंपनी का टायर ही है अभी तक, फ्रंट टायर इसका अभी तक एक बार भी नहीं चेंज हुआ, बट बैक टायर बार बार चेंज हो जाते हैं। ये TVS का दिया था इस वाली में, मुझे ख़राब लगता है TVS का टायर, तो सीएट का भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ठीक है वही बात है लगा लगाया है तो चलाना तो पड़ेगा ही, एक बार जब घिसेगा फिर ही चेंज होता है, वही वाली बात है। तो बस यही था कुछ डिफरेंस, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बिना कट के वीडियो बनाई है, रियल वीडियो है, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।